हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बनाना शेक की बहुत ही शानदार रेसिपी, जो कि 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी में। देखिए, कुछ इस तरीके से आपका बनाना शेक बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आइए बिना कोई देर के इस डिलीशियस से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 पका हुआ बनाना। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 ग्लास चिल्ड दूध, जो कि 1 ग्लास से थोड़ा सा कम है। जब भी आपको 1 ग्लास बनाना शेक बनाना हो या फिर जितने भी ग्लास बनाना हो, उससे थोड़ा कम दूध लें, क्योंकि बनाना डालने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्वांटिटी में और उसमें बबल्स भी आ जाएंगे। ये बिल्कुल ठंडा दूध है, चिल्ड दूध है, मैंने अभी फ्रिज से निकाला है। और यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को भी कुछ इस तरह से छोटा छोटा कूट लिया है, और इसी के अंदर एक इलायची को भी कूट कर डाल दिया है। 3 से 4 आइस क्यूब लिए हैं, और यहाँ पर डाबर का हनी लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर हनी की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हनी का यूज़ करने वाली हूँ। अब सबसे पहले हम बनाना को छील लेंगे। उसके बाद हम इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ताकि हम जब इसे ग्राइंड करें तब इसके जो मोटे मोटे पीसेस ना रहें, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, हमारा शेक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में बनकर तैयार हो। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 मिक्सी जार। उसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये बनाना, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स, इसके अंदर मैंने 1 इलायची भी कूट कर डाल दी है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारा दूध, क्योंकि हम यहाँ पर 1 ग्लास बनाना शेक बना रहे हैं, इसलिए हम सारा दूध एक साथ ऐड कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना शेक बनाते हैं तो आप सारा दूध एक साथ ऐड न करें, वरना आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आएगी, आपका शेक बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अब मैंने आइस क्यूब इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच हनी। अगर आप हनी यूज़ नहीं करते हैं तो हनी की जगह पर 2 चम्मच चीनी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और ये 5 मिनट भी नहीं लगते इसे बनने में, सिर्फ 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। बस अब हम इसे फटाफट से सर्व करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।